विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी के लक्ष्मी गार्डन में कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान दूसरे राजनीतिक दलों के अनेक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। झांसी के लक्ष्मी गार्डन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास आदि ने कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का कांग्रेसी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया है। इस बार चिंतन बैठक के बाद कांग्रेस के झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल रिछारिया ने कहा कि कांग्रेस के लिए झांसी की जनता अब तैयार बैठी है। हमारी लड़ाई झूठ फरेब भ्रष्टाचार से है। उन्होंने कहा कि झांसी की जनता के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि पानी की कमी के कारण हमने अपने कई लोगों को खोया है। हालांकि कार्यक्रम में काफ़ी लोग मौजूद रहे, लेकिन कोविड के इस दौर में यह जनसभाएं देखकर तो लगता है कि चुनाव के समय कोरोना जैसे लोगों के साथ छुपन छुपाई का खेल रहा है। लेकिन इसका नतीजा तब समझ आता है जब कोरोना अपने चरम पर पहुंच जाता है। उदाहरण जैसे पिछले पंचायत चुनाव में हुआ था, चुनाव खत्म होते ही कोरोना का विस्फोट हुआ था। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार देखकर लगता है कोरोना नेताओं से डरता है। पार्षद बने हैं, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी। हमारे और भी पार्षद, विकास खत्री जी भी है, कन्हैया कपूर साहब है, क्या कहते हैं अखलाक भाई है, हमारे अरविंद बबलू है, वो सब बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ झांसी में ठगा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया गया है। भ्रष्टाचार इस लेवल पर आ गया है कि उन्हें झांसी की बुनियादी समस्या समझ नहीं आ रही है। झांसी में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, सिर्फ बाउंड्री टोड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पानी वाली धर्मशाला में करोड़ों रुपये लग गया, और कम से कम महीनों सालों वहां की जनता परेशान रही, और अब उसका जो भी हुआ उसमें पैसों का बंदरवाड़ होने के बाद आज फिर उसमें जलकुंभी निकल आई है। आप कई वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से नारायण बाग वाले में आपके सामने जो हमारा तालाब है उसकी सफाई के लिए हजारों करोड़ का बजट का गबन हो रहा है, लेकिन मौके में क्या है। तो ये जो झांसी आतिया ताल में आप देखिए क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ जनता को परेशान करना बजट के नाम पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज इस मीटिंग में कांग्रेस का एक एक व्यक्ति घर से निकला है, क्योंकि 365 दिन 5 साल 32 वर्षों से यही सब कार्यकर्ता है, यही सब कांग्रेसी जो झांसी की जनता की आवाज़ उठाता है। तो इन्हें आज मौका है, ये सब लोग चाह रहे हैं कि झांसी की जनता से निवेदन करें कि मौका है, अपना आशीर्वाद दें ताकि हम लोग पुनः उनकी सेवा कर सकें। और जिस तरह से आज से 32 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज, BHEL, पारीचा, राजगढ़ डैम, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन का आधुनिकरण, और ITI, BTC, नवोदय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाशवाणी, बराटा बेसन पाइपलाइन, राजगढ़ डैम, एशिया का सबसे लंबा डैम, ये सारी चीजें जो की हैं, फिर पुनः हम लोग इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकें। झांसी से RN शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।